हेलो दोस्तों, फिर स्वागत है आपको फिर से नए एक ब्लॉग पर। और आप कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने वाले एक हेयर स्पा, इसके बालों पर हेयर स्पा लगाएंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चाहिए और कैसे बनता है। देखो मैंने निकाल लिया है एलोवेरा का जेल। ये देखो प्योर जेल है, चाहे आप मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हो। ये देखो हाथों में से फिसल रहा है ये बस। और इसमें मैंने डाल लिया है ये एग डाल के अब इसको मिक्सी में वो ऐसे ग्राइंड कर लेंगे। इसको ऐसे बना के इसका पेस्ट बना लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड, ये है कैस्टर ऑयल जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें हम ऐड करने वाले हैं थोड़ा सा कैस्टर ऑयल। ये मार्केट में इलीजी मिल जाता है और ये मैंने इसको डाल लिया है। अब चाहो तो आप इसमें थोड़ा सा दही भी ऐड कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है, लेकिन बस ये तीन चीज़ तो ज़रूरी है। और ये बन गया आपका हेयर स्पा। देखो फ्रेंड, ये बिना केमिकल का है। और देखना आप इसका रिजल्ट। मैं अभी उमेरा के सर पे इसको यूज करने वाली हूँ। ला ये बालों पर इस तरह से लगा लिया कि पूरे के पूरे अच्छे से बाल कवर हो जाए, हो जाने चाहिए इसमें इस बाल में। ऐसे नहीं कि बाल कम लगा चाहिए, बस एक एक के पार्ट लिए इतने इतने से बाल लो और उस पर ऐसे लगा लो। और ये स्पा भी देखिए बिल्कुल बिना केमिकल का है। बच्ची है तो बच्चे के लिए बाजार का स्पा वगैरह कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए और हमें घर पे ही कुछ ट्राई करना चाहिए। ऐसा नहीं बाजार से लिया है और हमने बच्चों के ऊपर ट्राई कर लिया, नहीं नहीं, बस ये बाजार के हर स्पा में केमिकल होता है और वो बच्चों के लिए नुकसान होता है, इसलिए आप घर पर ये वाला स्पा बनाइए। पर कर दिया है ये पूरी तरह से अप्लाई और मैं इसको ऐसे बांध के छोड़ दूंगी 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद इसके हेयर वॉश करना है। देखिए फ्रेंड, 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे से ज्यादा हो गए और मैंने अब इसके हेयर को वॉश कर लूं अच्छे से। देखो अभी इसके बाल ऐसे सिल्की सिल्की लग रहे हैं मुझे। वो अंडा यूज नहीं कर सकती तो इसमें आप एक केला काट के भी यूज कर सकती हो। केले को मिक्सी में ग्राइंड करके उसमें डाल के वो भी डाल सकती है। ये देखिए मैंने इसको सादा पानी से पहले धो लिया था, फिर इस पे एक शैम्पू से भी धोया है। शैम्पू भी इसमें जरूरी, थोड़ी सी गंदगी निकल गई। चल ठीक है। हाँ तो देखिए फ्रेंड, ये है फाइनली रिजल्ट। और ये देखो कितने अच्छे हो गए हेयर वॉश करने के बाद। मैंने शैम्पू से किया है और देखो अभी तक मैंने इस पर स्ट्रेटनर भी नहीं किया, फिर भी कितनी साइन और सिल्की हो गए हैं और बाल भी अच्छे हो गए। इसके पहले बाल बहुत करली थे लेकिन मैंने एक दो बार स्पा लगाया है और वो दही वगैरह अप्लाई करने से नहीं, इसके बाल बहुत अच्छे हो गए अभी और घने भी है और सिल्की भी है देखो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? और मैंने पहले इससे पहले एक केराटीन वीडियो भी बनाई थी, वो भी ऐसे ही कुछ रिलेटेड थी। बताया कि आपको ये हमारी रेमेडी कैसी लगी।